हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सी रुचि गोयल जैसे कि आप सबको मैंने बता ही दिया था कि ड्यू डेट्स इनकम टैक्स रिटर्न की टैक्स ऑडिट की और जीएसटी एस रिटर्न्स की एक्सटेंड हो गई थी और अब आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है इन रिटर्न्स को फाइल करने के लिए लेकिन कुछ दो दिनों से क्वेरीज आ रही हैं कि क्या ड्यू डेट एक्सटेंड दिसंबर हुई हुई है है टैक्स ऑडिट के लिए या फिर जनवरी काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि ड्यू डेट एक्सटेंड हुई क्या है और कब तक हुई है तो आइए आज मैं इस पर आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ और देखते हैं क्या बोलती है प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं ई फाइलिंग पोर्टल की स्क्रीन को और आप देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आ भी गई है जो प्रेस रिलीज मैंने आपको ऑनलाइन दिखाई थी वो अब यहाँ पे भी आ चुकी है तो ये प्रेस रिलीज बोलती है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू ड्यूरेट्स फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स तो हमने इस प्रेस रिलीज पे जाते हैं और देखते हैं क्या है ये प्रेस रिलीज मैं आपको डिटेल में पढ़ूंगी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ के एक्सप्लेन किया था आपको फिर भी उस वीडियो पर दोबारा जाके देखना है तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं हम डायरेक्टली बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यूडेट की और टैक्स ऑडिट की ड्यूडेट्स की तो हम पॉइंट थ्री ये पढ़ेंगे ड्यूडेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स पेयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड जिन लोगों को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यूट एक्सटेंड होके 31 जनवरी हुई है तो फर्स्ट पॉइंट मैं इसलिए पढ़ रही हूं क्लैरिटी हो जाए कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यूटे एक्सटेंड होके 31 जनवरी हुई है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अपने अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ते हैं अब हम सी पॉइंट पढ़ते हैं ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अदर टैक्स पेयर्स एज पर द एक्ट ॅज थर्टी फर्स्ट जुलाई बिन एक्सटेंडेडी फर्स्टर लेकिन जिन लोगों को अपने पड़ते हैं जिन लोगों को अपने पड़ते उनके लिए जिन लोगों को अपने अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ते हैं उनकी ड्यूडेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अब थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी है नाव बात आती है कि ये तो हो गई रिटर्न फाइलिंग की अब टैक्स ऑडिट की ड्यूडेट क्या है तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं टैक्स ऑर्डिट

आपकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेकिन अगर आपको ऑडिट भी करवाना पड़ता है तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट हुई थर्टी फर्स्ट जानवरी ट्वेंटी ट्वेंटी बड़ा ही क्लियर वेरिफिकेशन है कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा नेक्स्ट टू पॉइंट्स है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था इसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब एडवांस टैक्स की फॉर्म में टैक्स पे करना पड़ता है और उसकी कुछ ड्यू डेट होती है कि आपको बाय दिस डेट डेट ड्यू आपको टैक्स पे करना पड़ता है उस ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड किया गया था तो फिफ्थ पॉइंट बताता है कि एग्जिस्टिंग कितना एक्सटेंड किया था पहले नोटिफिकेशन जो आई थी जून में उससे कितना एक्सटेंड हुआ पॉइंट बताता है कि अब उन्होंने फर्दर कितना एक्सटेंड कर दिया तो फिफ्थ पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं फर्दर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल एंड

इनको रिलीफ देने के लिए द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर टैक्स पेयर्स हु सेल्फ असेसमेंट असमेंट इज 2021 फॉर द टैक्स पेयर्स मेंशन इन पार्ट थ्री एंड थ्री बी एंड ट्वेंटी मतलब सिंपल है जिन लोगों को ऑडिट करवाना है उन लोगों के लिए टैक्स पे करने की ड्यू डेट है थर्टी जनवरी क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की भी उनकी थर्टी जनवरी है तो रिटर्न के साथ साथ आप टैक्स पे करते हो तो आपको थर्टी जनवरी है जिन लोगों को टैक्स ऑडिट करवाना है।

इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू